हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप चंगे बड़े होंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ भाई शिवाजी स्टेडियम में। तो शिवाजी स्टेडियम में क्या नज़ारा बना रखा भाई, लोगों ने परेशान है, सारा कुछ आप लोग हम इस वीडियो में दिखाएंगे। फाइनली जो है कि 1:30 बजे का टाइम हो चुका है, और जो कि खिलौने भी भाई एक नंबर के यहाँ पे आ चुके हैं भाई। खिलौने की जो कि दुकान लग चुकी है यहाँ पे, देख सकते हो कुछ इस तरह से। और दोनों तरफ जो है कि खिलौने, इस तरफ जो है कि खिलौने की दुकान लगी हुई है, और उस तरफ जो है कि फास्ट फूड की दुकानें जो है कि लगी हुई है। हालांकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इधर थोड़ा छाव है, तो छाव की वजह से थोड़ा तो यहाँ पे लगे हुए थे भाई 100 रुपये के 3 खिलौने जो है, ले सकते हो आप यहाँ पे। इधर भी 100 रुपये के 3 खिलौने, इधर भी 100 रुपये के 3 खिलौने। तो बच्चों के कुल मिला के जो है कि मेला दिलों का आएगा है, और बच्चों के लिए आएगा, क्योंकि मेला जो है कि सिर्फ बच्चों के लिए होता है। तो बच्चों के लिए जो है कि सारा सामान आया होता है, बड़ों के लिए नहीं। तो बात की जाए बाजा बूझे, तो बाजे बूझे भी आ चुके हैं भाई मार्केट में, मूर्तियाँ सारे कुछ आ चुके हैं। और चलते हैं आगे, और शिवाजी स्टेडियम के अंदर चलते हैं भाई। यहाँ पे फिलहाल गेट बंद है अभी, और काफ़ी लोग जो है कि यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं भाई। जिन्होंने शाम को नहीं आना, किसी ने कहीं जाना होगा, किसी को जो कि भीड़ भाड़ में जो कि डर लगता है, तो उस वजह से जो कि भाई कई लोग जो है कि सुबह ही आ जाते हैं। तो हम लोग जो कि वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए सुबह सुबह आ चुके हैं, क्योंकि बाद में जो है कि वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कि यहाँ पर भीड़ लग जाती है। चलते हैं बिना देर किए आगे। फाइनली यहाँ पर जो कि गेट बंद कर दिया गया, ज़्यादा मतलब बाइक वगैरह आप लोग अंदर लेके नहीं जा सकते। तो चलो भाई हम भी चलते हैं फटाफट से, चेन लगा दी गई है यहाँ पर। फाइनली हम आ चुके हैं शिवाजी स्टेडियम के अंदर, जो कि प्रवेश कर दिया है हम लोगों ने। और देखिए भीड़ जो है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम है, और भीड़ देख सकते कुछ नहीं है। देखो बिल्कुल चारों तरफ खाली हुई बिल्कुल मैदान। हालांकि जो कि देवी मंदिर में जो कि इतना ज़्यादा भीड़ हो रखी थी अभी, जो कि जैसे लग रहा था कि अभी जो कि मेला शुरू हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे जो कि भाई कोई भी दिख नहीं रहा। देखो दूर दूर तक दो गई, इस फील्ड में लोग जो कि प्रैक्टिस भी करते हैं खेल अभ्यास। पानीपत का बहुत ही मशहूर जो कि फील्ड है इसमें, तो नज़ारा कुछ इस तरह से भाई। मेन गेट लगा हुआ है श्री सनातन धर्म मंदिर सभा की ओर से, जो है कि दशहरे के पवन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं श्री सनातन धर्म मंदिर सभा की ओर से, जो है कि ये दशहरा का मेला आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो कि बहुत ही भव्य दशहरा होता है, और दशहरे इस भव्य दशहरे में जो कि आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और जो कई लोग होते हैं भाई, वो जो कि ऊपर जो कि सामने लगा हुआ है वहाँ पर यात्री सोट से टाइप का, वहाँ पे जो कि विश्राम करते हैं कई लोग, क्योंकि जो कि मतलब 12-1 बजे से, मतलब 2-3 बजे से जो लोग होते हैं वहाँ पे आके बैठ जाते हैं, और ताकि जो है कि उनको कोई असुविधा ना हो। और फिलहाल धूप इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि भाई आँख नहीं खुल रही बिल्कुल भी, इतनी खतरनाक धूप लगी हुई भयंकर। तो मुझे लगता है कि धूप भी शाम तक 6 बजे तक ऐसी लगी रहने वाला है मौसम, बिल्कुल ऐसा और कहा कि भाई साहब धूप इतनी भयंकर, आप रे कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 1:30 बजे 1:30-2 बजे का टाइम है अभी, और जो है कि इतने भी लोग नहीं आए हुए हैं, सब जो है कि 3 बजे से यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे जो कि यहाँ पे जो कि फील्ड बिल्कुल गोलाकार में है। क्योंकि देव मंदिरों की बात करें तो देव मंदिर में चारों तरफ जो कि खुला है मैदान, आप लोग इधर से भी निकल सकते हो, इधर से भी निकल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो कि पूरा फील्ड कहीं भी पूरी तरफ चारों तरफ से जो कि गोल फील्ड है, जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है वैसे है शिवाजी स्टेडियम, बिल्कुल गोल फील्ड है, बिल्कुल गोल है स्टेडियम। तो कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं है, तो बिल्कुल सामने जो है गेट है वहीं पर जो है कि गेट प्रवेश द्वार वहीं से है, मुख्य द्वार वहीं से। तो वहाँ पर जब जो है कि दशहरा ख़त्म होते हैं, तो दशहरा ख़त्म होने के बाद जो कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे कि लोग वहाँ धक्का मुक्की हो जाती है, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। कई लोग जो कि उल्टियाँ भी कर देते हैं, कई लोग किसी के सिर फूट जाते हैं, कहीं किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है। तो आप लोगों से निवेदन भाई, अगर आप लोग आते हो अभी यहाँ पर शिवाजी स्टेडियम में, तो आप लोग भाई सामने जो है कि यात्री सोट टाइप का कुछ बनाया गया है, वहाँ पर आप लोग आके जल्दी से बैठ सकते हो। अभी भी जो है कि दो बंदों ने जगह घेर लिखी है, कि यहाँ पर एक दो इधर बैठे हैं, दो एक इधर बैठा है, तो अभी बिल्कुल खाली है वो सामने देख सकते हैं। तो अभी भी जो है कि आप लोग आ सकते हो वहाँ पे, और मतलब ज़्यादा नहीं 3 बजे से मतलब जो है कि यहाँ पे मतलब भरना लग जा, मतलब ये स्टेडियम जो कि भरना शुरू हो जाता है लोगों का स्टेडियम, मतलब यहाँ पे लोग आने बैठना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से है नज़ारा, काफ़ी तेज़ धूप है, सारे लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और चलते हैं आप लोग अंदर, दिखाते हैं आप लोगों की भाई रावण का क्या नज़ारा है, और वहाँ पे जो है कि
फिलहाल यहाँ पे माइक मुक टेस्ट हो रहे हैं, कॉपीराइट आने का भी खतरा रहता है। और इधर जो है कि दशहरे के ऊपर मुझे श्री सनातन धर्म मंदिर से भाग्य और से जो है कि यहाँ पे होता है दशहरा। यहाँ पे जो है कि रावण की लंका लंका कुछ नहीं बनाई गई है फिलहाल, देख सकते हैं सेक्टर 13-17 में जो है कि बना दी गई थी। म्यूजिक सिस्टम इधर लगा दिया गया, पूरे एम्पलीफायर वगैरह जो है कि मेन मुद्दे जो है कि यहाँ पे बैठ दिए जाएंगे। और अभी जो सजा रखा है उसके बाद सुबह यहाँ पे कुछ नज़ारा कुछ ऐसा होगा कि भाई साहब क्या बताएं आप। तो फाइनली हम आ चुके हैं भाई अंदर, जहाँ पे रावण को जो कि सजा दिया गया है फिलहाल। इतनी जो कि मतलब पूरा सजा दिया गया है रावण को, चारों तरफ से जो कि मैट वगैरह बिछा दी गई है यहाँ पे, और रावण की मतलब व्यवस्था चारों तरफ से सुरक्षा चौबंद कर दी गई है ताकि यहाँ पे कोई घुसपैठ या ना घुस सके। और जो कि फ़ोटो शूट भी कई लोग जो कि यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं। बात की जाए रावण की सोने की लंका, तो भाई सोने की लंका यही है छोटी सी। तो फिलहाल हम प्रवेश करते हैं सोने की लंका के अंदर। यहाँ पे जो कि लाइव लूप सेशन भी चल रहा है, सारे लोग जो है कि फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। ओहो गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीना तो नहीं लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। लाइव सेशन चल रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े कैमरा जो है कि यहाँ पे जो है कि बड़े बड़े कैमरा हो मैंने रखे हैं इस तरह। रावण यहाँ के कुछ दिखाई नहीं दे रहा धूप के कारण, क्योंकि सूरज जो कि बिल्कुल भी सिर के ऊपर है। जाते हैं यहाँ पे बोन सर भी वही बैठे हुए हैं, देख सकते कुछ इस तरह। बाहर जो कि माइक वगैरह चल रहे हैं, माइक वगैरह चलने से जो है कि कॉपीराइट आने का खतरा रहता है। तो रावण कुछ इस तरह से देख सकते हैं भाई साहब, कुछ इसका फिट ज़्यादा नहीं, 20-25 या 30 फुट होगा, ज़्यादा बड़ा रावण नहीं है यहाँ पे शाहजी स्टेडियम में। जो मैंने आपको रावण दिखा था सेक्टर 13-17 में, तो वो जो कि 65 फुट का था और काफ़ी ऊँचा था। यहाँ पे देख सकते हैं अब ज़्यादा ऊँचा रावण नहीं, देख सकते ज़्यादा ऊँचा नहीं देख सकते। शिवाजी स्टेडियम पानीपत काफ़ी देर मशहूर दशहर हो जाती है यहाँ पे भी, लेकिन भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, देख सकते कुछ इस तरह से। शिवाजी स्टेडियम में दशहरे का माहौल क्या क्या है क्या नहीं है, मतलब फिलहाल तो लोग कोई है नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे जो है कि भाई लाउड स्पीकर बज रहे थे, लाउड स्पीकर की वजह से जो कि यहाँ पे जो कि कॉपीराइट आने का खतरा रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।